हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों को बना के दिखाने वाली हूँ होममेड चाउमीन। तो ये देखिए, ये अगर आप लोगों को मतलब पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नूडल्स बनाना। तो देखिए फ्रेंड्स, नूडल्स बनाने के लिए मैंने लिए है, ये मैंने एक छोटा वाला प्याज कट कर लिया है, अनियन, और ये छोटे वाली बड़ी है सोयाबीन की, और ये चाउमीन को नूडल्स को मैंने उबाल के ना रख लिया है। ये देखिए, ये पक चुकी हैं देखिए। और ये ब्लैक पेपर पाउडर और गरम मसाला है, और इसमें वाइट विनीगर है, और ये सोया सॉस है, और इसके अंदर मैंने वेजेस कट किए हैं, एक बीन्स है और कैबेज है और कैप्सिकम है, और कैरेट मेरे पास अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैंने कलर के लिए सिर्फ एक टमाटो कट करा है छोटा वाला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। फ्रेंड्स, ऑयल गर्म हो चुका है, मैं इसमें अनियन डाल दूंगी। अनियन को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस ये कि इनका क्रिस्पनेस बचा रहे और ये मतलब ब्राउन नहीं होने चाहिए ज़्यादा। तो देखिए फ्रेंड्स, अनियन को ऐसा करना है, थोड़े थोड़े ब्राउन होने लगे हैं, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी जो सोयाबीन की बड़ी छोटी वाली हमने भिगो के रखी थी। इनको भी थोड़ी देर के लिए हम फ्राई कर लेंगे, जब हल्की हल्की सी गोल्डन होने लगेंगी तो तब हम दूसरा इंग्रेडिएंट डालेंगे इसमें। देखिए फ्रेंड्स, ये हल्के हल्के ब्राउन होने शुरू हो गए हैं, इन्हें भी ज़्यादा क्रिस्प नहीं करना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो भी वेजेस हमने कट करके रखे थे सारे। इनको थोड़ी देर करेंगे, पकाना नहीं है क्योंकि इनका क्रिस्पनेस ख़त्म हो जाएगा। और ये सबसे अच्छा तरीका है अपने बच्चों को सब्जी खिलाने का, आप खूब भर भर के सब्जी डालिए। नूडल्स बच्चे बहुत मन से खाते हैं एकदम। बस हम इनका वेट करेंगे कि ये थोड़े मतलब कम होने शुरू हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें से थोड़ी सी रेड चिली डाली है और हल्का सा डालना है सॉल्ट। वैसे मैं इसमें अजीनोमोटो का यूज़ करूँगी लेकिन कम, हमारे यहाँ से चाइनीज़ नमक बहुत बोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये चाउमीन को ना उबाल के रख लिया था, ये पकी हुई है, मैंने अभी आपको बताया था, अब मैं इनको डाल रही हूँ इसमें। देखिए ये पूरी पूरी लॉन्ग चाउमीन है। जब भी चाउमीन वगैरह या नूडल्स वगैरह को उबाल के रखें तो उसमें हल्का सा रिफाइंड ऑयल लगा दें, जिससे ये मतलब जब भी आप इनको यूज़ करेंगे तो खिले खिले हो जाएंगे। तो इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला और ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डाल रही हूँ वही जो मैंने आपको दिखाया था अभी, सोया सॉस, विनीगर, कसम अजीनोमोटो। अब इसको हमें हाई फ्लेम पे थोड़ी देर पकाना है जल्दी जल्दी चलाते हुए। वैसे तो दोनों हाथ से चलाते हैं लेकिन एक से भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मैंने इसमें हल्का सा रेड चिली भी डाला है, अगर आप लोग तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें ग्रीन चिली कट करके डाल दीजिएगा। तो अब मैं इनको थोड़ी देर के लिए पकने देती हूँ ऐसे ही। तो देखिए, हमारे चाउमीन बनके तैयार हैं और अब मैं इनको आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थे आज की हमारी नूडल की रेसिपी, और देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है देखने में, बिल्कुल कलरफुल। और सच में अगर आप लोग इसे ट्राई करोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी है। और बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में आपको ये मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो बाय फ्रेंड्स।